सिल्वल साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, बताइए क्या विशेष? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आने वाली 2 मार्च को हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी, जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक रैलियां चल रही है, जन आक्रोश रैली उकलाना मंडी के अंदर, वो जन आक्रोश रैली 2 मार्च को होने जा रही है। आज उसी को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या लगता धारा 144 लागू होने के बाद भी रैली हो पाएगी? देखिए, धारा 144 जहाँ तक मेरा विचार है, यहाँ शांतिपूर्वक है सब कुछ, और अगर है तो वो जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हमारा जिला बिल्कुल शांतिपूर्वक है। काफ़ी नेता अब दो दर्द के करीबी माने गए, लगातार अब बीजेपी में आ रहे हैं, कुछ दिन पहले सुना है किसने बताया भी बीजेपी में शामिल होने के बारे में? देखिए, दूसरे नेताओं के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो सवाल आप जिस जो नेता जा रहे हैं उनसे कर सकते हैं। मेरे से रैली से संबंधित, उकलाना की विधानसभा से संबंधित आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, कितने गांव का दौरा हुआ है, कितनी संख्या जुटने की हुई है? हमारे जो 59 गांव है हल्के के अंदर, 59 के 59 गांव का हमने दौरा किया है। उकलाना मंडी हमारा शहर है, इसमें भी हमने हर बस्ती के अंदर जाकर अलग अलग पूरी जो है उकलाना विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया, और जनता के अंदर जो बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 10 साल का शासन बीजेपी का रहा है उसमें कोई भी वर्ग जो है वो संतुष्ट नहीं है, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे जवान हो और चाहे विद्यार्थी हो, हर वर्ग का जो है इस दौरान जो है वो शोषण हुआ है। और पानी ले और एक गिलास। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप देखो किसानों का मामला, आप देखो किसानों का, पहले 3 काले कानून आए, उसके बाद अब फिर किसान जो है समर्थन मूल्य के लिए जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और कई किसान तो हमारे अब भी जो है खनौरी बॉर्डर के ऊपर शहीद हो चुके हैं। युवाओं के अंदर आप देखो बेरोजगारी जो हरियाणा की है, जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, लगभग 36-37% बेरोजगारी पूरे भारत में हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा है। महिला उत्पीड़न का आप देखोगे तो महिला उत्पीड़न में पूरे भारत में हरियाणा का दूसरा नंबर है। क्राइम अपराध के अंदर जो है ये प्रदेश जो है, आपने अभी देखा 2-3 दिन पहले जो है INLD के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी, जिनका गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, मैं उनको जो है श्रद्धांजलि देता हूं कि इस प्रकार की चीज़ें जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गुंडा राज जो है बीजेपी के राज में और इस JJP के राज में हुआ है। और जहां तक मैं बात करना चाहता हूं घोटालों की सरकार हरियाणा प्रदेश की, चाहे JJP हो और चाहे खट्टर साहब, दोनों ने मिलकर जो है इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मैं भी विधायक था, 2009 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर केवल 54,000 जो है करोड़ का कर्जा था, इस समय जो है 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 4.51 जो है बता रहे साथी, वो इतना कर्जा पूरा प्रदेश को जो है कर्जे के अंदर डुबो दिया गया है। और कोई बड़ी संस्थान नहीं, हुड्डा साहब के समय बड़े बड़े जो है बिजली के कारखाने लगे, आपने देखा, एक यमुनानगर में लगा, 2 झाड़ली में लगे, एक अपने खेदड़ में अपने हल्के में लग रहा है, और 24 घंटे लाइट मिल रही है, एक जो है गोरखपुर के अंदर परमाणु बिजली संयंत्र लगन लग रहा है, ये भी हुड्डा साहब की देन है। और बड़े बड़े 4 लाइन आप देखो उकलाना के अंदर से अपना जुफा शिवानी से लेके अम्बाला तक का 4 लाइन गया, अपना डब वाली से लेके अपने उकलाना हल्के अग्रोवा से होते हुए वो जो है दिल्ली तक का 4 लाइन हुड्डा साहब ने बनाया। बड़ी बड़ी मेट्रो की जो है लगभग 100 किलोमीटर मेट्रो दिल्ली से फरीदाबाद तक, बल्लभगढ़ तक गई और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक आई, तो बड़े बड़े काम किए। कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे हिसार के अंदर एग्रीकल्चर के साथ जो यूनिवर्सिटी थी, वेटरनरी डिपार्टमेंट, उसको अलग करके जो है वो पशु विश्वविद्यालय हिसार को लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय देने का काम किया गया। हमारा जैसे उकलाना है,
ये बरवाड़ा उपमंडल के अंदर आता है। पहले हमारा उपमंडल हिसार था, तो बरवाड़ा को उपमंडल बनाकर जो है यहाँ SDM की नियुक्ति की गई, DSP की नियुक्ति की गई, और जो है बरवाड़ा के अंदर कॉलेज जो है वो बनवाया गया। उस समय पूरे हल्के में 3 आरोही मॉडल स्कूल बनवाए गए, एक गैबीपुर में है, एक उकलाना में है, एक अग्रोहा में है, एक बेरी अकबरपुर के अंदर कस्तूरबा गांधी कन्या मिडिल स्कूल जिसके अंदर हॉस्टल की सुविधा भी है, तो वो बनवाए गए। सूर्यवाला के जो चौक के ऊपर है ITI मंजूर की गई, और जो है कॉलेज मंजूर किया गया था, और कई गांव में जो है वो पानी की वाटर सप्लाई के बनाने का काम, नंगथला में नई वाटर सप्लाई बनी, साबरवास में बनी, ज्ञानपुरा में बनी, और हमारा जो है इसके खेदड़ के अंदर बनी, मदनपुरा की मंजूर हो चुकी थी, और काफ़ी मॉडल विलेज जो है हुड्डा साहब ने बनाने का काम, जिस तरह से हमारा अग्रोवा है मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, लांदड़ी है मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, PHC किरमारा है मॉडल विलेज और खेल स्टेडियम, चमारखेड़ा है मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, प्रभुआला है मॉडल विलेज खेल स्टेडियम, बनभोरी के अंदर जो है खेल स्टेडियम, PHC। तो विकास कार्य करवाने में हुड्डा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उकलाना की मैं जहाँ तक बात करूँ, जैसे उकलाना मंडी है, हमारे प्रधान जी बैठे श्याम सुंदर बंसल जी, उकलाना को जो है चौटाला साहब ने नगर पालिका तोड़ के इसको जो है गांव का दर्जा देने का काम किया, यानी कि जो हमारा शहर जो सदियों से बड़ा नामी शहर था उकलाना मंडी, उसको जो है बिल्कुल नीचे गर्त में धकेलने का काम किया इन सरकारों ने। और मैंने जो है हुड्डा साहब से कहकर उकलाना को फिर से नगर पालिका बनवाने का जो है काम करवाया। 18 करोड़ की लागत से STP प्लांट मैंने जो है बूढ़ा खेड़ा के अंदर बना, वो बनवाने का काम किया। उकलाना की नई अनाज मंडी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय 2001 में कटी थी, और जब 2009 में मैं विधायक बना जब तक इसमें झाड़ियाँ खड़ी थी, तो इसको जो उकलाना मंडी को मैंने जो है हुड्डा साहब से कह के विकसित करवाए, इसमें शेड बनवाए, फड़ बनवाए, पानी की जो है वाटर सप्लाई बनवा के इसका प्रबंध करवाया गया। तो बहुत सारे काम हमारे उस समय हुए। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जब चौधरी रेल्लू राम पूनिया जी हमारे पूर्व विधायक थे, उनका हत्याकांड हुआ, उस समय वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है जला दी गई थी, उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी, तो 36 लाख रुपये की लागत से जो है मैं नई फायर ब्रिगेड की गाड़ी हुड्डा साहब से लेके यहाँ आया था। तो हमने बहुत काम करवाए, तहसील का नई बिल्डिंग जो है मार्केट कमेटी के एक कमरे में तहसील चलती थी हमारी, तो मैंने नई तहसील बनवाने का यहाँ काम किया। तो विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रही पहले भी, और मैं तो ये समझता हूँ आज जो ये सरकार है, चाहे JJP हो चाहे BJP ज्वाइंट सरकार है, इन्होंने हर वर्ग से खिलवाड़ किया। मैंने किसानों की बात करी, कर्मचारी OPS के लिए आगे बढ़े, उन पर लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी की महिलाएं, आशा वर्कर अपनी जो है समस्या लेके आगे गई सरकार को, उनके ऊपर लाठीचार्ज, 4 साल की अग्निपथ योजना लेके आए मोदी जी, उन्हें युवाओं ने विरोध किया, उन पर लाठीचार्ज, 30 से ज़्यादा पर्चे लीक हो चुके हैं। और जो है बेरोजगारी का मैंने बताया, जैसे सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अभी 180 जो है SDO की लिस्ट आउट हुई बिजली बोर्ड की, 180 में से 22 हरियाणा के, 158 दूसरे प्रदेशों के। ये तो कहते थे कि भाई दुष्यंत चौटाला और ये कहते थे कि 75% प्राइवेट कंपनियों भी हरियाणा के युवाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन इन्हें तो प्राइवेट तो दूर की बात, जो सरकारी में हमारे बच्चे लगने चाहिए थे वो भी नहीं लगे। इनके जो है बड़े बड़े सूटकेस इनके दफ्तरों में आते हैं, जो इनके SS बोर्ड के HPSC के जो चेयरमैन हैं उनके दफ्तरों में सूटकेस पकड़े गए, खर्ची पर्ची के बिना कोई काम नहीं हो। बाहर से जो लिस्ट आई है वो SDO इतने कहाँ से लगे, तो इनसे कोई पूछने वाला हो। नरेश जी, आप उकलाना के विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे, आज की अगर बात करें तो उकलाना में विकास कार्यों के जो प्रोजेक्ट हैं उनके पार्ट वाइज उद्घाटन हो रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई पत्रकारों से कहा था, जैसे रेलवे का पुल है, ये जो रेलवे के ROB की स्कीमें हैं, ये मतलब प्रत्येक फाटक के ऊपर है, जहाँ भी सिटी है वहाँ पे प्रत्येक में ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, न कि कोई यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट का या किसी
यहाँ से मंत्री या कोई और नेता उसके ऊपर या अपना वो अधिकार जमाए के हमने करवाया है। ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे के है कि जहाँ भी जिस सिटी में ज़्यादा दिक्कत है उसके ऊपर आरओबी बना जाए, जहाँ पे पहले मानव रहित फाटक थी वहाँ अंडरपास की स्कीमें आपने देखा हमारे उकलाना गांव में बना है, मदनपुरा में बना है, दौलतपुर की तरफ बना है, ये सब जगह जो है इस तरह के जो रेलवे डिपार्टमेंट के ये प्रोजेक्ट है इसमें, और बार बार जो है नारियल फोड़े जा रहे हैं, पहले श्रीनिवास गोयल जी ने फोड़ा, फिर जो है बराला साहब ने नारियल फोड़ा, उसके बाद जो है अनूप धानक जी ने फोड़ा, उसके बाद हिसार से खट्टर साहब ने उद्घाटन किया, उसके बाद जो है मोदी साहब ने पता नहीं बता रहे कि मोदी साहब ने भी उसका वो ये नहीं पता भाई इसका कितने नारियल फोड़े जाएंगे एक काम के। इस बीजेपी की सरकार ने उकलाना में कोई कार्य नहीं किया, सभी कार्य हमारे पहले के जो है मंजूर शुदा थे, और उसके बाद जैसे थर्मल प्लांट हमारा जो है इसके अंदर लगभग 5,000 युवा इस क्षेत्र के जो है नौकरियां करते हैं, तो विकास में हिसार में कोई कमी हुड्डा साहब ने नहीं छोड़ी थी, और मैं तो अभी भी हमारी बड़ी मांग जो है मैं हुड्डा साहब से करूंगा। जनता से भी मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस रैली का, जिसका नाम भी जो है जो 2 मार्च को उकलाना की नई अनाज मंडी में होने जा रही है, जन आक्रोश का मतलब है जनता के अंदर सरकार के प्रति गुस्सा आक्रोश, 10 साल के शासन में जो इन्होंने ठगने का काम किया है तो जनता अपना आक्रोश दिखाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथी पहुंचे, और कोई बात अगर सर, किसी ने पूछनी है द्वारा आपके नाम एक सीडी प्रकरण के नाम से मुकदमा दर्ज करने के आदेश अनुशंसा की गई जी जी, जिसमें से मौजूदा विधायक हांसी को निकाल दिया गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपगेंडा है, अगर कोई बीजेपी में चला जाता कोई नेता, जैसे कुलदीप बिश्नोई चला गया, उसके होटल सील थे और काफ़ी चीज़ों पर उसके ईडी के छापे पड़े हुए थे, वो जो है बीजेपी में जाते ही दूध का दूल्हा हो गया। हमारे साथ मान ले हमारा जो सीडी का मामला आपने पूछा, सीडी के मामले में क्या है, कुछ भी नहीं है उसमें, ये कहा गया कि इन्होंने सीएलयू करवाने के बदले पैसे मांगे, हमने ना कोई पैसे मांगे ना कोई सीएलयू हुआ ना कोई फाइल ना कोई नंबर, कुछ भी नहीं हुआ। और एफआईआर के अंदर जो हमारी 29 जनवरी 2016 की एफआईआर है उस पे 7 वर्ष पूरे हो गए, 8वां वर्ष लग गया उसको, और उसके अंदर हाई कोर्ट से स्टे चल रहा है। अगर सरकार के पास हमारे खिलाफ़ एविडेंस होता, सरकार से चलान ही पेश नहीं हो रहा हमारे खिलाफ, क्योंकि सरकार के पास कुछ है ही नहीं, सबूत ही नहीं, बिना सबूत के क्या करेंगे। इसी के अंदर आपने दूसरा सवाल किया कि विनोद ब्याणा, वही सीडी विनोद ब्याणा की है, विनोद ब्याणा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको क्लीन चिट, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो क्लीन हो जाता है, दूसरी पार्टियों के सब नेता दाग गए, तो ये तो जो है बीजेपी का प्रोपगेंडा है। और हमारे खिलाफ 7 वर्ष में भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने कोई ऐसे किसी से रिश्वत ली या कोई कार्य करवाया हो। आपने कुलेरी में एक बहुत बड़ी जनसभा की थी, उसके बाद कुमारी सैलजा की यात्रा निकली यहाँ से, वहाँ पर बाबड़ा में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई, अब चर्चा ये है कि नरेश सहलवाल अपना वजूद दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। नहीं, मेरा कोई वजूद नहीं है, पार्टी के आधिकारिक रैलियाँ हैं, जो कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान जी है और हमारे सीएलपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, तो ये प्रत्येक हल्के के अंदर ये रैलियाँ हो रही है, जहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक है वहाँ उस ये जिम्मेवारी उनको दी गई है, या फिर उनको जो ये लगता है जो हल्के के अंदर रैलियाँ करने में सक्षम है मजबूत है भाई, जो रैलियाँ करके जो बीजेपी और जेजेपी का जो शासन है उसको अपनी ताकत हम दिखा रहे हैं। हम अपनी कांग्रेस पार्टी के नेता है, अपने अपने तरीके से सब अपने प्रोग्राम कर रहे, कोई रथ यात्रा निकाल रहा, कोई जनसभाएं कर रहे, वो अलग मुद्दा है, हमारी कांग्रेस पार्टी सब एक है, हमारी लड़ाई जो है बीजेपी और जेजेपी के जो ये शासन है जो अप्रजातांत्रिक है, तानाशाही है, हिटलर शाही है, इसके खिलाफ हमारी ताकत है, और ये हमारी कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये जनता का आक्रोश है, और इसीलिए इस रैली का नाम भी जो है जन आक्रोश रैली रखा गया। आपने कहा कि कांग्रेस एक है, आज आलम ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका इस्तीफा तक मांगा जा रहा है।
नहीं देखिए वो मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं, वो हिमाचल वालों से बात करो आप। नरेश सिलवाल विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक है या लोकसभा के? लोकसभा में भी देखिए मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, विधानसभा का लड़ाए लोकसभा का लड़ाए ना लड़ाए वो पार्टी की मर्जी है, मैं पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी सदन में ठहरा नहीं, और विपक्ष के कुछ लीडर्स का कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम तक के काम करी जबकि अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं। नहीं देखिए वो पार्टी का मामला है, हमारे बड़े नेता वो डिसीजन लेते हैं, मैं तो इस कोई अभी विधायक हूँ नहीं मौका का, क्योंकि ये विधायक दल का जो है डिसीजन होता है। कुमारी सैलजा के गृह क्षेत्र में ये रैली हो रही है, क्या कुमारी सैलजा इसमें पहुँचेगी या फिर उसके समर्थक इसमें? देखिए वो हमारे बड़े नेता है, उनको इन्विटेशन देना वो पार्टी की आधिकारिक रैली है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रैली है और मैं केवल इसका आयोजक हूँ, वो अब ये सवाल आप हमारे अध्यक्ष जी से कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आज गीता बुक्कल के खिलाफ जो है मर्यादित भाषा का प्रयोग किया था उसको लेकर भी उदय बयान जी ने आज बयान दिया, उस पर आपकी क्या राय? देखिए बिल्कुल ये जो अध्यक्ष जी का बयान बिल्कुल सही है, मैं भी दलित समाज से हूँ, गीता बुक्कल जी भी दलित समाज से है, जो ये सरकार है ये दलितों का हमेशा अपमान करती है, और इस सरकार में जो स्कीमें चलती थी गरीब लोगों के लिए दलितों के लिए, चाहे 100-100 वर्ग गज के प्लाट मिलते थे गरीब लोगों को जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो सारी बंद है, लड़कियों के विवाह शगुन की योजना चलती थी किसी को आज मिल ही नहीं रहा, वो कहते हैं कि जब ऑनलाइन फार्म भरते हैं तो 2 महीने बाद मैसेज आता है कि आपका 25% प्रोसेस हो गया, 2 महीने बाद मैसेज आता है कि आपका 60% हो गया, और अगले ही सप्ताह मैसेज आता है कि आपका जो है 1,80,000 से ज़्यादा इनकम है इसलिए आपका फार्म रिजेक्ट किया जाता है। शेड्यूल कास्ट के बच्चों को जो वजीफा मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी स्कूलों में कॉलेजों के अंदर, वो सारी की सारी बंद है, और हायर एजुकेशन के अंदर जो शेड्यूल कास्ट की फीसें माफ़ होती थी जैसे MBBS की है, शेड्यूल कास्ट की फीस 50 लाख रुपये है 5 साल की MBBS की, क्या कोई आदमी दे सकता है? इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो है ये चाहती है कि कोई गरीब का बच्चा कोई आगे बढ़ के पढ़ ना सके, वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करते, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए उनको कुचलने की कोशिश की जा रही। अभी हमारे HCS के जो है रिजल्ट आए, आपने देखा पीछे SC के BC के सारी पोस्टें जो है दो दो तीन तीन फिलिंग करके वो बाकी खाली रख दी गई, तो जो है मैं समझता हूँ ये सरकार बिल्कुल हर मोर्चे पर, चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे किसान हो चाहे गरीब आदमी हो, हर किसी से भेदभाव कर रही है। सर लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, एक सीट जो है आम आदमी पार्टी को दी गई है, अगर समीकरण भविष्य में ऐसे बनते हैं कि विधानसभा में भी अगर इनका गठबंधन रहता है और उकलाना हल्का से किसी कारणवश आम आदमी पार्टी को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, तो क्या नरेश जी उस वक्त भी चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी का जो आगे आदेश रहेगा उसे निभाएंगे? देखिए आपने अच्छा सवाल किया है, मैं समझता हूँ लोकसभा का डिसीजन भी हमारा केंद्रीय हाईकमान का है, उसका हम स्वागत करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है, और कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, उसके अंदर मैं समझा 10 की 10 सीटें जो है जीतने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। और आपने बात करी विधानसभा में, अगर विधानसभा का होता वो अलग अलग मामले है, अगर होता तो उस समय आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की रेड पड़ी है सर, कहीं ना कहीं अंदर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव तो नहीं दिया जा रहा है कि भाजपा की तरफ उनको लेके आने का? देखिए ऐसा है, ये जो आपने बात करी ईडी की, जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2009 से, तब से हुड्डा साहब को पता नहीं कितनी बार ईडी बुला चुकी है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना उन्होंने कोई गलत काम किया है, ये जो है चुनावी स्टंट है, जब चुनाव आता है जैसे कुंडू साहब ने मेरी CD के बारे में बात करी, अभी जो है महामारी कोर्ट के अंदर 3 महीने पहले तारीख थी और अखबार के अंदर 10 दिन पहले वो न्यूज लगी, यानी कि वो चुनावी स्टंट था। इसी तरह जब भी चुनाव आते हैं तो हुड्डा साहब के ईडी का संबंध दे देते, अगर 10 साल में भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं सबूत नहीं तो ये इसका मतलब जनता भली भांति समझती है कि ये चुनावी प्रोपगेंडा है। तो जी अब रैली जो हो रही है आप्रोच रैली, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र सिंह जी के साथ
और भी कोई जो मुख्य चेहरे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे जो है इस रैली के अंदर मुख्य अतिथि होंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, अध्यक्षता करेंगे हरियाणा प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और हमारे मुख्य वक्ता में होंगे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे युवा सांसद कुलदीप शर्मा जी, हमारे जो है ब्राह्मण समाज के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है, और अशोक अरोड़ा जी जो है इसके संयोजक है, हमारे जो है पंजाबी समाज के नेता है, गीता बुक्कल है हमारी बहन, हिसार से हमारे जितने नेता है, हमारे भाई राम निवास गोडेल्ला बैकवर्ड समाज के, चंद्र प्रकाश जी IAS रिटायर्ड है वो भी हमारे जो है बैकवर्ड समाज के, तमाम नेतागण इस रैली के अंदर आएंगे, और भी पूरे प्रदेश से नेता आएंगे जो हमारे जनता को संबोधित करेंगे। सर एक सवाल हो रहा है, बोलो। रोष रैली हो रही है, कहीं ना कहीं ये चर्चा भी सुनी जा रही है कि इसके आधार पर कहीं ना कहीं जो नरेश सहलवाल जी है वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 15 साल से जनता के बीच में हूँ। 2004 में मेरी धर्मपत्नी पुष्पलता 12,000 वोटों से जिला परिषद का चुनाव जीती थी, और मुझे 20 वर्ष हो गए राजनीति में, 2004 से राजनीति 2024 चल रही है, 20 वर्षों के अंदर मेरी पहुंच प्रत्येक घर तक है, प्रत्येक नागरिक तक है, हल्के के एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, मुझे शक्ति प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शक्ति प्रदर्शन में समय समय पे जब भी पार्टी का आदेश आता है मैं पार्टी के लिए फंक्शन करता हूँ। पहले भी हमने जब दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे हमारे 24 मई 2021 को, उस समय कार्यकर्ता सम्मेलन किया था कुलेरी के अंदर, हमारी जो है जनसभा बड़ी हो चुकी है हाथ से हाथ जोड़ों की, और जब अभी हमारी जो है सोथा गांव के अंदर जो है गांव वाइज जो चल रहे थे प्रदर्शन हमारे हाथ से हाथ जोड़ों के, तो उसके अंदर सोथा में हुई, ब्याणाखेड़ा में हुई, और जब हुड्डा साहब हमारे इधर बनभोरी आए थे एक शादी में, तो उस समय मतलोड्डा गांव में भी एक जनसभा जो है ग्राम लेवल की हमारी हुई। तो इस प्रकार के पार्टी के प्रोग्राम हमारे नेताओं के समय समय पे होते रहते हैं।